हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो डियर गाइज, डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आवेश के क्वांटीकरण के आधार पर जो न्यूमेरिकल हैं उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अध्ययन करने से पहले जो चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देंगे। तो आप लोगों का, कई डियर स्टूडेंटों का ये एक कमेंट था कि क्या था कमेंट उनका, कि प्यारे वो लोग क्या कमेंट करते थे कि न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हैं सर। तो आपको इतनी मात्रा में न्यूमेरिकल मिलेगा कि आप लगाते लगाते उब जाएंगे। तो आइए, कुछ सवाल लिखे गए हैं वाइट बोर्ड पे, उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है, ये जितने न्यूमेरिकल हैं सब आवेश के क्वांटीकरण पे आधारित न्यूमेरिकल हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि बोर्ड पेपर में कई बार पूछे गए हैं, तो आइए उनको भी हल करते हैं और सबको भी हल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या लिखा है, एक चालक पर एक कूलाम का ऋण आवेश है। कितना है, एक चालक पर एक कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। यानी आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो डियर स्टूडेंट, एक चालक पर कितने कूलाम आवेश है, क्वेश्चन नंबर एक लिखते हैं। तो एक चालक पे एक कूलाम आवेश, यानी क्यू बराबर आपको एक कूलाम दे दिया गया। आगे करा, एक कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में, यानी इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन अधिक पूछा, कम क्यों नहीं पूछा, क्योंकि कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है, और जहां ऋण आवेश होता है वहां इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अधिक होती है। तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन है वो बताने हैं, यानी यन बताना है। और ई, ई तो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹। अब ध्यान दीजिएगा, तो यन पूछ रहा है। तो आवेश के क्वांटीकरण से हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण का फार्मूला क्या पढ़े थे, क्यू बराबर एन ई। ठीक, आपको यन ज्ञात करना है, तो यन ज्ञात करने के लिए ये ई आपके इधर आ जाएंगे, यानी एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान ई। क्यू का मान रख देते हैं, तो क्यू का मान एक है बटे ई, ई का मान है 1.6 × 10⁻¹⁹। ध्यान से समझिएगा, ये 10⁻¹⁹ जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका जो पावर होता है वो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाए। तो ये ऊपर गए तो 10⁻¹⁹ हो गए, और बटे कितना है, 1.6 है। तो ये पॉइंट काटे तो यहाँ एक क्या लगा दिए, जीरो बढ़ा दिए, तो आपके सामने कितना बचा, 10⁻¹⁹ × 10⁻¹⁹। अब इनको डिवाइड करोगे तो 0.625 × 10⁻¹⁹ हो गए। ये पॉइंट एक अंक इधर लेके चले जाओगे तो एक पावर यहाँ से कम हो जाएगा, तो 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 10⁻¹⁹ कितने हो गए, 18। तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक थे, 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन अधिक थे। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चले आगे की तरफ, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3.2 कूलाम आवेश। क्या कह रहा है, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होंगे वो आपको बताना है, कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होंगे वो आपको बताना है। चलिए, क्या कह रहा है, 3.2 कूलाम आवेश। तो पहले पहचानिए आपको दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर दो में 3.2 कूलाम, यानी क्यू का मान दिया है 3.2 कूलाम। आगे, कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। और ई, ई पर चार्ज हमने बताया है 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है। अब आइए एन पूछ रहा, तो अभी हमने फार्मूला निकाला था, एन बराबर होता है क्यू अपान ई। अब बताओ क्यू का मान कितना है,
क्यू का मान है 3.2 और ई का मान है 1.6 × 10⁻¹⁹। अब ये 10⁻¹⁹ जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 10⁻¹⁹ हो गए और बटे क्या यहाँ बच गया 1.6। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गए, 16 × 21 = 16, 16 × 32 यानी कितने बचे, 2 × 10⁻¹⁹। तो कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होंगे, 2 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन द्वारा इतने आवेश क्या हो जाएंगे, निर्मित हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 7N14 दिया है, यानी आपका नाइट्रोजन का चर्चा कर रहा है और कह रहा है नाइट्रोजन के नाभिक में आवेश की मात्रा कितनी होगी। ध्यान से समझिएगा, जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन के जो नाभिक होंगे, नाभिक में आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, नाभिक में जो आवेश होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी परमाणु का नाभिक हो, उस परमाणु के नाभिक में जो आवेश की मात्रा होगी वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन देखिए, तो नाइट्रोजन, तो ध्यान से समझिएगा, 7N14 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। ध्यान से समझिएगा, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है। ध्यान से समझिएगा, कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या 7 है। अब वो पूछा है नाभिक में आवेश की मात्रा, तो नाभिक में आवेश की मात्रा किसके बराबर होती है, बराबर प्रोटॉनों के कितना होती है, 7 × 7 प्रोटॉन है, 7 × 1 प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश। ध्यान से समझिएगा, अब आप 7, एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, केवल वो ऋण आवेश होता है, ये क्या होता है, धनावेश होता है। तो 1.6 × 10⁻¹⁹ आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए तो मल्टीप्लाई करने के बाद जैसा कि आपको यहाँ पर मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 11.2 × 10⁻¹⁹। तो पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, एक अंक इधर की तरफ लेके आएंगे, एक मिनट प्यारे बच्चों, ठीक। तो आप चाहो तो यहाँ पर इसको क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, मात्रक क्या लगा दोगे, कूलाम लगा दोगे, या तो आगे की तरफ बढ़ाओगे तो एक अंक इधर की तरफ ले आओगे, तो यहाँ आप घात जो है क्या कर दोगे प्यारे बच्चों, घात को यहाँ पर क्या कर देंगे, घात को जो है एक अंक यहाँ घटा देंगे, ठीक। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका ये सवाल भी कंप्लीट हो जाता है, ये ठीक। आप चाहो तो अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, और अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 500 इलेक्ट्रॉन। तो ये समझिए, ये कोई चालक हो गया। अब इस चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो अब बताओ 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो जिस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस चालक पर धनावेश होता है, क्या होता है, धनावेश होता है। तो इस चालक पर क्या होगा, धनावेश होगा। तो प्रकृति पूछा है, प्रकृति बताइए, तो प्रकृति क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात जो पहला क्वेश्चन पूछा था प्रकृत, तो प्रकृत क्या हो जाएगी, धनावेश, क्या हो जाएगा, धनावेश। कैसे पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। अब आगे कह रहा है आवेश की मात्रा बताइए, आवेश की मात्रा, तो चालक पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, तो जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसी के बराबर हो जाएगी, तो 500 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर हो जाएगी, तो 500 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर, तो 500 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, अब 500 × एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹। अब देखिए इस पॉइंट को काटेंगे तो अपान 10 लगा देंगे, 1 0 0 से कैंसिल हो गया,
तो 50 गुणे कितना बचा, 16 गुणे 10 घाते माइनस 19, 16 जीरो में जीरो, 16 पंचे 80, कितने हो गए 80, 800 गुणे 10 घाते माइनस 19। तो प्यारे बच्चों यहाँ से दो अंक दो जीरो हटाएंगे तो यहाँ दो ठो पावर कम हो जाएगा, तो 8 गुणे 10 घाते माइनस 17 कूलाम आवेश होगा। यानी जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि चालक पर जो आवेश की मात्रा होगी वो चालक पर आवेश की मात्रा 8 गुणे 10 घाते माइनस 17 कूलाम होगा। तो इस प्रकार आपका जो चौथा सवाल था वो भी कंप्लीट हो गया। इस एक बार इसका आप आंसर जरूर मिला सकते हैं, तो बिल्कुल आपका आंसर यही आया है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फिर हम लोग आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं। पाँचवा नंबर क्या कह रहा है, किसी धातु के गोले को, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, हम लोग धातु का गोला हो गया, क्या हो गया धातु का गोला, ध्यान से समझिएगा धातु का गोला हो गया। अब क्या करा, धातु के गोले को 1 माइक्रोकूलाम को किस प्रकार आवेशित किया गया जाता है, यानी इस धातु के गोले को हम लोग 1 माइक्रोकूलाम को किस प्रकार आवेशित किया जाता है। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन इसको मिलाइएगा, सॉरी यहाँ को नहीं है, क्या है 1 माइक्रोकूलाम से, यहाँ क्या है 1 माइक्रोकूलाम से किस प्रकार आवेशित किया जाता है, यानी एक आवेश है आपके पास, एक है क्यू बराबर 1 माइक्रोकूलाम, 1 माइक्रोकूलाम को इसे किस प्रकार आवेशित करोगे, इस धातु के गोले को आवेशित कर रहे हो, इससे इसको आवेशित कर रहे हो, तो किस प्रकार आवेशित किया जाता है और इस प्रक्रिया में उसमें द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आएगा, यानी गोले पर द्रव्यमान में क्या कमियां आएगी वो आपको बताना है। यानी इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो रगड़ने पर इस पर आवेश उत्पन्न होगा, तो आवेश उत्पन्न तो हुआ पर आवेश उत्पन्न होने के बाद इसके द्रव्यमान में जरूर कमी आई होगी, वो कमी आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों जो कमी आएगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इससे कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए या इससे कितने इलेक्ट्रॉन इस पे निकले। तो जो धातु का गोला है, धातु के गोले से निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी धातु के गोले से कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित हुए, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल गए, वही निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन के बराबर इसमें से द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। जैसे अगर हम कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करेंगे। तो आइए, कितना आवेश है, 1 माइक्रोकूलाम आवेश है, तो क्यू बराबर 1 माइक्रोकूलाम, तो 1 माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे तो इसे लिख देंगे 1 × 10⁻⁶ कूलाम। यानी माइक्रो को कूलाम में चेंज करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई। आगे करा, इस प्रक्रिया में उसमें द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, तो एन ज्ञात करना, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो ई बराबर क्या होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, तो एन बराबर क्या होता है क्यू अपान ई। अब आप यहाँ देख सकते हैं क्यू का मान कितना है 1 × 10⁻⁶ है और ई कितना है 1.6 × 10⁻¹⁹ है। ठीक, ये देखिए कुछ पावर, ये 10⁻⁹ है, ये 19 में से ये 6 ठो कट जाएंगे तो यहाँ -13 बचेगा, तो 1/1.6 × 10⁻³, ये -13 ऊपर चले जाएंगे तो क्या बचेंगे, -13 जब ऊपर चला जाएगा तो ये पावर 13 प्लस हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ काट देंगे तो 10/ कितना आ गया 16 × 10⁻³। तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा 6.25 × 10⁻½। यानी इसको डिवाइड करोगे तो 0.625 आएगा × 10⁻³। एक अंक इधर लेके जाओगे तो एक अंक जब आप इधर लेके जाओगे तो पॉइंट एक अंक इधर गया तो एक पावर यहाँ से कम हो गया, तो यन बराबर कितने आ गए, इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निष्कासित हो गए। किससे निष्कासित हुए, धातु के गोले से इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निष्कासित हो गए। प्यारे बच्चों अब आगे ध्यान देते हैं, तो किस धातु के गोले में आई कमी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अगला क्या लिखेंगे टॉपिक, सॉरी यहाँ एन लिख लीजिएगा आप, धातु के गोले के
द्रव्यमान में आई कमी, द्रव्यमान में आई कमी बराबर क्या हो जाएगा, कितनी कमी होगी, इतने इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर। आई कमी 6.25 गुणे 10^12, ठीक, 6.25 गुणे 10^12 इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर, इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान ये हो गए। अब ध्यान से समझिएगा, तो 6.25 गुणे 10^12, अब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10^-31। तो आप इसे हल करोगे, तो हल करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, हल करने के बाद आपका आएगा 5.69, कितना आएगा, इन दोनों को हल करोगे तो 5.69 गुणे 10^ कितना बचा है, 10^-18 kg। तो यानी प्यारे बच्चों कितने की कमी आ जाएगी, 5.69 गुणे 10^-18 kg की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। कैसे हमको पता चला, जब धातु के गोले को आपने रगड़ा तो रगड़ने के बाद इतने इलेक्ट्रॉन उससे निष्कासित हो गए, तो इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो बाहर निकल गए तो इतने इलेक्ट्रॉन की, इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान में कमी आ गई, तो ये हमने हल कर दिया, इतना मिला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, तब तक हम हट जाते हैं इधर से। सौरभ सर लेक्चर बंद कीजिए। तो हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको जरा सा आप लोग पढ़िएगा, तब तक हम इसको मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एक बिजली आघात के वापसी में 25 माइक्रोसेकंड तक, यानी 25 माइक्रोसेकंड तक एक सूक्ष्म समय है, 25 माइक्रोसेकंड तक 25×10^3 एम्पीयर की धारा प्रवाह होती है, यानी कितनी धारा प्रवाह होती है। क्वेश्चन नंबर 6, आई बराबर 25×10^3 एम्पीयर धारा प्रवाह होती है, ठीक। आगे कह रहा है कितने सेकंड तक, टी बराबर दिया है 25 माइक्रोसेकंड, यानी माइक्रोसेकंड SECOND माइक्रोसेकंड, तो इसको हम लोग सबसे पहले किस में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे, तो माइक्रो हटाएंगे, तो माइक्रो हटाएंगे तो 25×10^-6 हो जाएगा, यानी माइक्रो को हम लोगों ने सेकंड में चेंज कर दिए। इतनी बातें समझ भाई। आगे क्या करा है, इस घटना में कितने आवेश का हस्तांतरण हुआ, यानी क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। आई दिया है, टी दिया है, तो आवेश का हस्तांतरण यानी हस्तांतरित आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आई इंटू टी। अब बताइए आई कितना है, आई आप देख सकते हैं 25×10^3 है, इंटू टी, टी कितना है 25×10^-6 है, तो 25 का गुणा 25 से कर देंगे तो 625 आ जाएगा, और 6 में से 3 घट जाएगा तो 6 में से 3 घटेगा तो 10^-3 आ जाएगा। तो आपका पॉइंट इधर है, तो आप दो अंक पॉइंट इधर लेके आ जाएंगे, तो जैसे ही आप दो अंक पॉइंट इधर लेके आएंगे या तीन अंक ला दीजिए, तो देखिए 1, 2, 3 आप जब तीन अंक लेके आओगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 6, 2, 5, ये पावर तीनों कैंसिल हो जाएंगे आपके, ये पावर तीनों खत्म हो जाएंगे, यानी पावर 3 टू प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो क्यू बराबर 0.625 कूलम। तो आपके जो ये भी आंसर है ये भी सही है, ये भी आपका आंसर सही है। तो इस प्रकार आप जो हस्तांतरित आवेश की मात्रा थी वो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पार्ट का आवेश के क्वांटीकरण के आधार पे जो आपका लास्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है उसको जरा सा पढ़िएगा, तब तक क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, दो प्रोटॉनों के मध्य विद्युत बल और गुरुत्वीय बल, तो विद्युत बल क्या होता है आपको जरूर बताया गया होगा, विद्युत बल के लिए फार्मूला पहले ही इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया है, विद्युत बल के लिए फार्मूला क्या होता है, विद्युत बल F बराबर आपने पढ़ा है के Q1 Q2 / R2, समीकरण नंबर 1, ठीक। फिर उसके बाद गुरुत्वीय बल कक्षा 11 में पढ़ाया गया है, गुरुत्वीय बल क्या होता है F बराबर G m e
MP। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ दोनों क्या है, प्रोटॉन है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा MP, यहाँ भी क्या हो जाएगा MP। ध्यान से समझिएगा, दोनों प्रोटॉन है तो MP यानी मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, अपान क्या होता है R स्क्वायर है। ये विद्युत बल था, ये गुरुत्वीय बल था, वो अनुपात पूछ रहे हैं दोनों के अनुपात, तो इनको इनको भाग कर देते हैं। तो समीकरण एक बटे समीकरण दो से, यानी समीकरण एक को दो से भाग दे दिए। अब बताओ, तो समीकरण एक है F, इसको विद्युत बल के लिए FE लगा सकते हैं और इसके लिए FG लगा सकते हैं, तो FE लगा दिए बटे FG लगा लिए। अब FE का मान क्या है, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब ध्यान समझिए, Q1 और Q2 क्या है, प्रोटॉन है, Q1 और Q2 क्या है, प्रोटॉन है, तो यहाँ प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी लिखेंगे हम लोग। अपान क्या है, GmP और MP बटे क्या है R स्क्वायर, ये R स्क्वायर से कैंसिल हो गए। अब आपके सामने क्या बचा, FE बचा है, क्या बचा है, FE अपान FG। K बचा है Q1 Q2, तो Q1 × Q2 हो गए, अपान कितना बचा है, GmP अपान MP बचा है, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, MP अपान MP। तो K का मान कितना है, 9×10⁻⁹। Q1 Q2 हमने बता के रखा है, Q1 Q2 क्या है, प्रोटॉन है, तो Q1 का भी मान वही होगा 1.6×10⁻¹⁹। Q2 भी होंगे 1.6×10⁻¹⁹, ठीक, आगे समझिएगा। जी का मान होता है 6.67×10⁻¹ⁱ। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.9, आप एक बार जरूर क्लियर कर लीजिएगा, 1.27 होते हैं, 1.27×10⁻¹⁷। वही अगले वाले का भी हो जाएगा, 1.27×10⁻¹⁷। अब आप ध्यान से समझिएगा, आप इनको हल करोगे तो आपको हल करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, वो जरूर आप देख सकते हैं। तो हल करने के बाद आपको मिलेगा 12×10⁶। ये आप इसको हल करके जरूर बताएंगे क्या आपके 12×10⁶ आंसर आया है या नहीं आया है। प्यारे बच्चों, अगर कुछ आगे करना है तो आप जरूर इसको करके दिखाएंगे और करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमने इसको हल करके 12×10⁶ लाया है, यानी इनके दोनों के अनुपातों की जो तुलना है वो 12×10⁶ न्यूटन के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो डियर स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू डियर स्टूडेंट।